इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से आ रही है। देर रात दबंगों ने घर में घुसकर दो भाइयों को मारी गोली। इस वक्त की बड़ी खबर, गोली चलने के बाद गांव में मचा हड़कंप। घायलों को परिजनों द्वारा पहुंचाया गया अस्पताल, इलाज जारी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। 2 बजे रात को गांव के ही कुछ लोगों ने घर में घुसकर किया हमला। थाना कैसरगंज क्षेत्र के एनी गांव का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से भारत टीवी पर आप देख रहे हैं। दबंगों के हौसले बुलंद। देर रात दबंगों ने घर में घुसकर दो भाइयों को गोली मार दी। गोली चलने के बाद से गांव में हड़कंप मचा है। फिलहाल घायलों को परिजनों के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें कि 2 बजे रात को गांव के ही कुछ लोगों ने घर में घुसकर यह हमला किया। थाना कैसरगंज क्षेत्र के एनी गांव का मामला। बहराइच से शुभम मिश्रा। क्या नाम है आपका? रशिया नाम है मेरा। क्या मामला है? मामला क्या, ये जो आदमी सामने दिखे मेरे को, पप्पू दिखे, मुंशी दिखे, गुम्मन दिखे, और एक वो थे आकिब, तो आकिब तो पकड़े गए मौके पर। पुलिस क्या हुआ है यहाँ पर? मेरे लड़के के ऊपर गोली चली है, इससे ये इसी साइड में गोली पड़ी है उसको। यहाँ पर एक लड़के के, दूसरे लड़के के यहाँ पर लगी। दोनों लड़के हमारे हॉस्पिटल में हैं। 2:10 हुआ था जब धमाके की आवाज़ हुई। मैं छत के ऊपर सो रहा था और मैं वहाँ से, मेरी वाइफ भी सो रही थी। जब हम वहाँ से भागे तो नीचे हमारी बेटी रो रही थी और हमारा लड़का, दोनों बेटे हमारे तीनों, और वो रो रहे थे। हम पुलिस को फ़ोन लगाया, 100 नंबर पर, 112 पर फ़ोन लगाया, कोई गाड़ी यहाँ नहीं आई। गाड़ी आई कम से कम 30-40 मिनट के बाद आई। उसके बाद हम लड़के को लिया और खून बहता हुआ हम लेके पुलिस स्टेशन पहुँचे। वहाँ से हमको भेज दिया गया तुरंत अस्पताल, और कोतवाल साहब खुद गए मेरे साथ। ठीक।